पहले हम किस पे जाएंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो पे। एंड्रॉयड स्टूडियो पे हमें सबसे पहले क्या जरूरत है, एक न्यू प्रोजेक्ट बनाने की। और यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे, एम्प्टी एक्टिविटी। तो इसका नाम ऑलरेडी माय एप्लीकेशन हैगा, तो हम इसे चूज नहीं करते हैं। जावा ऑलरेडी सिलेक्ट है, लोकेशन हमें चेंज नहीं करनी, कुछ नहीं करना लिटरली इसमें। अगर आपकी एपीआई ज़्यादा बड़ी है तो इसे मिनिमम एटलीस्ट यहाँ पे 19 पे कर लो आप, किटकैट पे, क्योंकि ये ज़्यादातर सब जगह रन होता है। और इसे हम फिनिश कर देते हैं। तो ये हमारा क्या स्टार्ट हो गया, एंड्रॉयड स्टूडियो। तो ये अभी हमारा क्या इंडेक्सिंग कर रहा है। इंडेक्सिंग जैसी फिनिशिंग फिनिश होती है, हम लोग ओपन करते हैं इसे। तो यहाँ पे हमारा, हमें क्या चाहिए, एंड्रॉयड। यहाँ पे हमने राइट लेफ्ट में एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लिया है। तो गाइस यहाँ पे हमारा खुल के आ चुका है, पूरा एंड्रॉयड स्टूडियो खुल के आ चुका है। इसमें मैंने जैसे यहाँ पे एंड्रॉयड सेलेक्ट करा, मेरे पास मेन एक्टिविटी खुल के आ चुकी है। और एक्टिविटी मेन जो इसका लेआउट फोल्डर होता है, वो भी ऑटोमेटिकली आ गया है। तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा इसकी स्पेसिंग कम कर देते हैं। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, स्प्लिट चाहिए, ताकि हमें लेआउट भी दिखे अपना और ये भी दिखे अपना कोडिंग भी दिखे हमें, राइट। और इसकी भी थोड़ी सी स्पेसिंग कम कर देते हैं, देर यू को। तो हमारा ये हो गया है। तो ऑटोमेटिकली हमारा इसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, जिसकी अभी हमें ज़रूरत है नहीं। तो हमें क्या, सबसे पहले हमने क्या देखना था कि कैसे हमारा टेक्स्ट व्यू, ये जो मेथड है हमारा ऑलरेडी क्रिएट है, इसमें बस एक इंपोर्ट हो रहा है इस वक्त, ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी, जिसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं किसमें, मेन एक्टिविटी में। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, इसको ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है मेन एक्टिविटी। एट द रेट ओवरराइड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये इसलिए यूज होता है कि हमें कोई चीज़ बनी हुई है जो हमारी ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी है, जिसमें हमारी सारी फंक्शनैलिटी लिखी हुई है एंड्रॉयड की, हमें वो यूज़ करना है। तो ऑन क्रिएट जो ये मेथड है, ये सबसे पहले रन होता है एंड्रॉयड में, क्या बताने के लिए कि अब कुछ बन रहा है। तो हमने यहाँ पे एट द रेट ओवरराइड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर बता देता हूँ आपको। ऑन ओवरराइड इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम उस चीज़ को यूज़ तो कर सकें, उस लाइब्रेरी को जो हमारी ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी में यूज़ हो रही है, बट सिर्फ ताकि, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं जो ओरिजिनल फाइल है, लेकिन हमें क्या करना है, उसे अपने हिसाब से चेंज करना है। इसलिए हमने क्या लिखा, ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब क्या होता है कि उस चीज़ का जो बेसिक चीज़ थी, हम उसे ओवरराइड कर रहे हैं, कि हम अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। तो इस वक्त हमने ओवरराइड कर दिया है, ताकि उस ऑन क्रिएट फंक्शन को, मेथड को हम खुद से, फंक्शन नहीं सॉरी, मेथड को खुद से यूज़ कर सकें, राइट। तो यहाँ पे तो हमारा ये आ गया है, ऑन क्रिएट को हमें नहीं छूना है। ऑन क्रिएट ऐसी है, सुपर ऑन क्रिएट, सेव्ड इंस्टेंस भी नहीं छूना है। ये हमारा जो पूरी फंक्शनैलिटी देता है ये मेथड, इतना यहाँ तक का वो है, राइट। और यहाँ पे सेट कंटेंट व्यू, जस्ट सेट टेक्स्ट व्यू या ऐसे कर देते हैं, ऐसी सेट कंटेंट व्यू है। इसका क्या काम है, जो मेन एक्टिविटी है उसे लेआउट एक्टिविटी से जोड़ना, आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी में। मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी क्या कैसे रिसोर्स में जाके ये कनेक्ट करता है। तो अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट पे कैसे हम इसे कॉल कर सकते हैं, राइट। और हमने ये नया ऐप इसलिए बनाया, हम एक्चुअली कॉफ़ी वाले ऐप में भी इसे कर सकते थे, किसी और ऐप में, बट हम उसको मैसअप नहीं करना चाहते ऐप को। तो सिर्फ हमें सिर्फ कुछ चीज़ें सीखने के लिए, सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए कर रहे हैं, तो हम एक नया ही बना लेते हैं। तो मैंने क्या लिया, एक टेक्स्ट व्यू क्लास यूज़ करी, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो देखिए, जैसे ही मैंने टेक्स्ट व्यू लिया, ये विजिट ऐड हो गया, ऊपर टेक्स्ट व्यू इम्पोर्ट ऐड हो गया। तो ये क्यों ऐड हुआ, क्योंकि ये क्लास है और हमने इसकी क्लास ऐड कर ली टेक्स्ट व्यू की, ठीक है। फिर एक टेक्स्ट व्यू ऐड कर लेते हैं, ये टेक्स्ट व्यू मैंने, इस टेक्स्ट व्यू से डिफरेंट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि स्मॉल टी से स्टार्ट है, ये कैपिटल टी से स्टार्ट है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये जो स्टार्ट हो, ये हमेशा स्मॉल टी और कैपिटल टी में बहुत फर्क आ जाता है, राइट। अब यहाँ पे हमारा न्यू आ गया, न्यू में क्या लिख देंगे हम, टेक्स्ट व्यू ले लेंगे एंड यहाँ पे हमने टाइप कर दिया टेक्स्ट व्यू। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू आ गया। और कंटेंट में, जैसे हमने डॉक्यूमेंटेशन में देखा था, कंटेंट क्या आ गया, दिस। कॉन्टेक्स्ट में क्या आ गया, दिस। तो ये क्या बता रहा है, इस वाली एक्टिविटी में। तो अब आप देख सकते हो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे कॉल कर लिया इसे। और इस पे हम क्या कर सकते हैं, डॉट से, मैंने आपको बताया था, डॉट से एक्सेस करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, सेट
तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने सेट करा इसमें सारे मेथड, तो मुझे बता दिए कि मैं इस पर कौन कौन से मेथड अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी कौन सा है सेट टैक्स, तो उसके लिए मैं सिंपली टाइप कर दूंगा। तो यहाँ पे आगे कि मुझे सेट टैक्स करना है राइट, और मैंने यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया, वाओ चलिए यहाँ पे हमने ये कर दिया। तो अब ये कैसे दिखेगा कैसे हमें राइट, तो अब अगर यहाँ पे जैसे मैंने डॉक्यूमेंटेशन में कहा था ये सेट कंटेंट व्यू जो होता है ये किसको करता है, लेआउट पे जाके उसको कनेक्ट करता है। अब अगर हमें लेआउट में से हटा दूँ राइट, तो ये लेआउट पे नहीं गया, और अभी तक हम ये टेक्स्ट व्यू कहाँ डिफाइन कर रहे थे, एक्टिविटी लेआउट में राइट, लेकिन अब हमने इसे जावा ही फाइल में क्या कर दिया है, इसे एक पहले तो इसका ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट को इसे कॉल कर लिया मेथड को राइट। तो अगर मैं इसे यहीं पे ही इसे सेट कंटेंट कर दूं तो क्या ये ऐसे आएगा, तो हमें ये देखना है सबसे पहले कि ये करने के बाद हमारा क्या रन होगा। तो यहाँ पे हम इम्यूलेटर रन करके देख लेते हैं अपना कि हमारी क्या प्रोसेसिंग होती है राइट। तो यहाँ पे मेरा इम्यूलेटर रन होना शुरू हो गया है, और तो गाइस यहाँ पे इम्यूलेटर रन हो चुका है, और आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, वाओ। तो मैंने लिटरली हमने क्या करा, XML से ना कनेक्ट करके हमारी जो लेआउट फाइल थी हमने सिंपली इसी जावा फाइल को इस पर शो कर दिया है। तो हमें इससे क्या आइडिया मिला, लेआउट फाइल ज़रूरी नहीं है, हमें लेआउट फाइल ही चाहिए दिखाने के लिए। बट हम लेआउट फाइल क्यों करते हैं, क्योंकि लेआउट फाइल में ऑलरेडी जो हमारी कुछ इम्पोर्ट फाइल्स होती हैं वो ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड होती हैं, उससे हमें आसानी होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने चाहे टेक्स्ट व्यू कर तो दिया, बट हमें पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, फिर उसे स्पेसिफाई करना पड़ा, तो थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो लेआउट फाइल XML क्यों यूज़ करते हैं, थोड़ा सा इसे आसान बनाने के लिए। अब इस पर और भी जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन हमने कुछ पढ़ी थी वो भी कॉल करने की देखते हैं। जैसे एक पढ़ा था हमने सेट कौन सा मैंने बताया था, सेट टेक्स्ट साइज राइट, तो टेक्स्ट साइज भी करके देख लेते हैं। टेक्स्ट साइज ओके, तो ये हमारा आ गया टेक्स्ट साइज, और टेक्स्ट साइज को कर लेते हैं अबाउट 56, और इसे रन करके देखते हैं कि हमारा क्या चेंज होता है ग्रेडल में इसमें ऐप में। तो बेसिकली यहाँ से हम सारे कौन से कमांड्स प्ले कर रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम राइट। तो यहाँ पे हमारा रन हो चुका है, और ये हमारा पुराना ऐप अभी शो कर रहा है क्योंकि अभी इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे गाइस हमारा क्या रन हो गया है, यहाँ पे वॉक राइट। तो आप देख सकते हो इसका साइज हमारा ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। और हमने कौन कौन से टेक्स्ट वो देखे थे, एक टेक्स्ट व्यू हम एक और कर सकते हैं, एक चीज़ और है, हम मैक्स लाइन भी सेट कर सकते हैं राइट, सेट मैक्स लाइंस। तो हमारा यहाँ पे सेट मैक्स लाइंस आ गया, तो मैं सेट मैक्स लाइंस 2 भी दे सकता हूँ। तो इसके लिए अभी हम पहले करके देख लेते हैं कि यहाँ पे इसे वर्क कैसे करता है राइट। तो पहले इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे डबल बैक स्लैश से, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ ला ला ला, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी वो हो रही है या नहीं। इसे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एंड इसे कर लेंगे कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी, इसे रन करके देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ लाइंस में हमारा क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है हमारे ऐप में। तो ये इंस्टॉल हो चुका है हमारे उसमें, और ये हमारा ये आ गया। तो ये कितने नंबर ऑफ लाइंस कितने हो रहे हैं, 4 नंबर ऑफ लाइंस में हमारा ये शो हो रहा है। अब अगर मैं इसके बाद ये जो हमारा ये था सेट टैक्स का सेट मैक्स लाइंस 2, और मैं इसे रन कराऊं, तो हम देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस होता है इससे राइट। तो इससे बेसिकली हमारा क्या हुआ है, जो हमारी मैक्स लाइन्स थी, जो एक्स्ट्रा लाइन्स थी, वो हमारी क्या हो गई, कट ऑफ हो गई हैं। तो इससे फर्स्ट क्या हमारी क्या आसानी है कि जैसे अगर कोई चीज़ एक्सीड कर रही हो और हमें उसे एक्सीड नहीं करवाना है, तो हम सेट मैक्स लाइन भी कर सकते हैं उसे बिना एक्सीड कराए। तो गाइस बेसिकली अब हम अभी हमने सीख लिया कि कैसे टेक्स्ट व्यू कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर हम अब दोबारा से अपने कॉफ़ी ऐप में आ जाएँ, तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, टेक्स्ट व्यू जो हमारा क्या है, क्लास थी राइट।
यहाँ पे हमने क्या डिफाइन कर दिया, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ब्रैकेट में हमने टेक्स्ट व्यू क्यों लिया है, क्योंकि जब उसमें आपको याद होगा अगर टेक्स्ट व्यू, फिर हमने ये करा था ऑब्जेक्ट, उसके बाद न्यू और टेक्स्ट व्यू करा था, तो न्यू टेक्स्ट व्यू क्यों करा था, हमने एक उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था, लेकिन यहाँ पे हमें क्योंकि ये ऑलरेडी क्लास डिफाइंड है, सिर्फ हमें इसका डेटा टाइप बताना है, तो जब हम इधर कोई चीज इनिशियलाइज कर रहे हैं राइट हैंड साइड इक्वल्स टू के इधर की साइड राइट हैंड साइड में, तो हमें बस ये बताना है वो क्या डेटा टाइप है, हमें उसे दोबारा से रिडिफाइन नहीं करना है, तो इसलिए जब हमने यहाँ क्वांटिटी टेक्स्ट व्यू लिखा, जब ऑब्जेक्ट बनाया तो हमने इसे बताया कि डेटा टाइप है टेक्स्ट व्यू टाइप का, और जब यहाँ व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी और ये इसकी वो निकाली रिसोर्स की, तो इसको भी बताना था हमें कि भैया टेक्स्ट व्यू टाइप का डेटा टाइप है ये, ठीक है। और टेक्स्ट व्यू बाय आईडी में आपने एक चीज, अब भी थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, कि टेक्स्ट व्यू बाय आईडी अगर आप देखो तो कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है यहाँ हमारी उसमें, जैसे टेक्स्ट व्यू बाय आईडी हो गया, ऑन क्रिएट हो गया, ठीक है, सेट कंटेंट व्यू हो गया, ये सब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हम खुद डिफाइन नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिकली क्या है, डिफाइंड है हमारे उसमें, सिर्फ हम इनका यूज कर रहे हैं, हमें पता है इसका क्या यूसेज है, हमें नहीं पता ये कहाँ से आ रही है, तो इसको समझने के लिए कहाँ से आती हैं ये चीज़ें, वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं, बट थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए हम देखते हैं कि क्या कैसे वर्क करता है।